तो भौकाली टाइट जो दिख रहा था पावर स्टार का दिख रहा था। अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो एक बेटा क्या कर रही हूँ और जनता के सेवक की बात कर रही हूँ, तो दोनों दो चीजें हैं, तो दोनों दो चीज है और दोनों पे उनको अब खड़ा उतरना पड़ेगा। महिलाएं हमारी आरजेडी में है वो भी खुश हैं, जो बीजेपी में है वो भी खुश है, मतलब कि हर पार्टी से समर्थन मिलेगा निर्दलीय प्रत्याशी को। निर्दलीय है ना, रिश्ता भी तो कोई चीज होता है। अभी उनके रैली में युवाओं के बीच पवन सिंह की एक अलग क्रेज है, पागलपन है लोगों में, वो चाहते हैं कि युवा ही एक ऐसा चेहरा है जो सदन में हमारी बात कर सकते हैं, तो इसीलिए पवन सिंह के लिए ये जो काराकोट जो क्षेत्र है यहाँ का जनता अपना प्यार उन पे बरसा चुके हैं। के चलते हम पहले ही उठे हुए हैं भाई, हम पवन भैया से अपने आप को ऊंचा मानते हैं क्योंकि हम महिला सशक्तिकरण पे बात करते हैं। ऐसे लोगों को फायदा दिया है जो फायदे के लायक नहीं थे, हाँ, जो उनके पास आया उनको उन्होंने ऊपर उठाया। तो हर व्यक्ति ना क्या भाई है, आशीर्वाद देने आए हैं कि जीत तो तय है। अभी पावर स्टार पवन सिंह से महिला विकास मंच की वीना मानवी जी मिलकर आ रही हैं, क्या कुछ बातें हुई हैं और किस तरह से समर्थन मिलेगा पवन सिंह को, और ऊपर से इतने जितना जन सैलाब पवन सिंह को लेकर लोग समर्थन दे रहे हैं उनको लेकर क्या कुछ राय है, कैसी मैम पहले बताइए। बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल युवा को आगे आना चाहिए और मिलना क्या भाई है, आशीर्वाद देने आए हैं कि जीत तो तय है। जो यहाँ की जनता का दिख रहा है, लग रहा है कि कुछ बदलाव होगा। मैन्युफेस्टो अभी रिलीज होगा, पवन का वचन, अब पवन क्या क्या वचन लेके आ रहे हैं 2-4 दिन में जनता के सामने होगा। पवन के वचन के सारे पॉइंट्स बहुत जल्दी जनता के बीच में आएंगे और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं और हम इस उम्मीद में आए हैं पवन भाई के साथ कि कोई तो हमारी सुन नहीं रहा, हमारा भाई जाएगा संसद में तो कहीं ना कहीं हमारी आवाज को बुलंद करेगा, महिलाओं की आवाज को बुलंद। बिल्कुल बिल्कुल। पवन सिंह से क्या कुछ बातें हुई हैं और महिला विकास मंच की ओर से कैसा समर्थन रहेगा पवन सिंह को? पूरा समर्थन रहेगा, दिल से समर्थन रहेगा। भाई बहन का रिश्ता है और वो पूरी समाज के भाई हैं और कहीं ना कहीं भावना है, ये भावना पवन में देखने को मिलती है कि ही इज अ वेरी हम्बल कूल, वो कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकता है, मतलब वो व्यक्ति के हाथ से, अरे उन्होंने तो ऐसे ऐसे लोगों को फायदा दिया है जो फायदे के लायक नहीं थे, हाँ, जो उनके पास आया उनको उन्होंने ऊपर उठाया, तो हर व्यक्ति को उन्होंने, उनके साथ जुड़े व्यक्ति को ऊपर उठाया। अब कल को आप लोग ये ट्रोलिंग चला देंगे कि वीना मानवी भी उनके जल्दी, हम पहले ही उठे हुए हैं भाई, हम पवन भैया से अपने आप को ऊंचा मानते हैं क्योंकि हम महिला सशक्तिकरण पे बात करते हैं, तो डेफिनेटली महिला सर्वप्रथम है, महिला के बाद ही पुरुष आते हैं, जन्म देने वाली जननी हम ही हैं आपको, तो इसलिए काराकाट लोकसभा की पूरी महिला सेना जो है ना दिल से उनको आशीर्वाद देगी, ये हम विश्वास है। हम जरूर महिला के लिए हाथ जोड़ के सारी महिलाओं से हम खुद जाएंगे वोट। महिला विकास मंच जो टीम है इसमें तमाम महिलाएं हैं, आपने सबसे राय भी लिया होगा, महिलाओं का क्या ओपिनियन है पवन सिंह को लेकर और जब मैदान में उतरे हैं? सब खुश हैं, देखिए जो महिलाएं हमारी आरजेडी में है वो भी खुश हैं, जो बीजेपी में है वो भी खुश है, मतलब की हर पार्टी से समर्थन मिलेगा निर्दलीय प्रत्याशी को। निर्दलीय है ना, रिश्ता भी तो कोई चीज होता है। अभी जितनी महिलाएं यहाँ मिलने आई है काराकाट में, डेहरी में, तो वो तमाम महिला किसी ना किसी पार्टी की है, तो कोई अपने रिश्ते की वजह से, कोई अपने भाव की वजह से, तो ले दे के व्यक्ति विशेष ही आपको जनता को संभालता है। आखिर एक मोहर पे कब तक वोट चलता रहेगा? आज अगर यहाँ पे एक रेप होता है तो मोदी जी देखने नहीं आएंगे, देश को मोदी जी की जरूरत है, लेकिन काराकाट में जो है एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सबका दुख दर्द तुरंत सुने, समझे, या भया चैनल सुने, उनके जो टीम है उन तक पहुंच जाए बात और उसका निर्णय हो, तो ऐसा कहाँ होता है, बहुत कम। मैम एक बात जानना चाहेंगे, क्या कुछ बातें हुई है, कुछ चीजें जो आपके ऑडियंस हैं महिला विकास मंच के जो चाहने वाले वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार वीना मानवी ने क्या कुछ बातें की हैं? देखिए 9 तारीख को बातें कुछ नहीं है, 9 तारीख को उनका नॉमिनेशन होना है और प्लस मैनिफेस्टो हमारा बनने गया हुआ है, जैसे ही मैनिफेस्टो आता है पवन का वचन जनता के सामने आएगा। तो आज जितनी बातें हुई है मैनिफेस्टो पे हुई है कि भाई जीतोगे तो क्या क्या करोगे पहले हमको बताओ, बताओगे तभी हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो जनता को मैं बता दूं, मैं यही जानने डेहरी आई थी कि उनका मैनिफेस्टो क्या क्या रहेगा और आपके लिए वो क्या क्या करेंगे, उसी मैनिफेस्टो पे अभी चर्चा हुई है जो कुछ दिन के अंदर, 2-4 दिन 5 दिन के अंदर जनता के सामने आ जाए। जिस तरह से भौकाली टाइट है, जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पे जन सैलाब दिखता है पवन सिंह को लेकर, आप उनको भाई बताती हैं, क्या लग रहा है? निर्दलीय रिकॉर्ड तोड़ देंगे जिसे पवन सिंह रिकॉर्ड मशीन कहे जाते हैं। देखिए भौकाली टाइट रहेगा क्योंकि वो हरदिल अजीज हैं, उनका अपना जो छवि सांस्कृतिक विभाग का है और वो एक कलाकार रहे हैं, एक गायक रहे हैं, तो वो भौकाली आज भोजपुरी इंडस्ट्री का सितारा पावर स्टार है। तो भौकाली टाइट जो दिख रहा था पावर स्टार का दिख रहा था। अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो एक बेटा क्या कर रही हूँ और जनता के सेवक की बात कर रही हूँ, तो दोनों दो चीजें हैं, तो दोनों दो चीजें और दोनों पे उनको अब खड़ा उतरना पड़ेगा। इसलिए हमारे साथ प्रिया जी हैं, मिलके आई हैं, क्या कुछ बातें हुई हैं उनसे? बहुत पहली बार मिली है उनसे आप? जी मैं पहली बार ही मिली हूँ और क्षेत्र के मुद्दे पे ही बात हुई है, क्योंकि जब आप क्षेत्र की बात करते हैं तो क्षेत्र में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जो हमारी प्रमुख मुद्दा है और जनता इसी पे चाहती है कि किसी भी कैंडिडेट को हम वोट करें। तो आज हम लोग जो मिले हैं पवन सिंह जी से, तो वही मैनिफेस्टो पे बात हुई है कि आखिर क्या क्या मुद्दे पे हमारी चुनावी मुद्दा क्या होगी, किस मुद्दे पे हम रणनीति तय करेंगे, क्षेत्र की क्या मुद्दे आएगी सामने, तमाम चीजों को लेकर के हमारी बात आज हुई। हमारे साथ काफी युवा जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जुड़ी हुई हैं, क्या लग रहा है पवन सिंह को किस तरह से सपोर्ट मिलेगा उनके रैली में? युवाओं के बीच पवन सिंह की एक अलग क्रेज है, पागलपन है लोगों में, वो चाहते हैं कि युवा ही एक ऐसा चेहरा है कि सदन में हमारी बात कर सकते हैं। तो इसीलिए पवन सिंह के लिए ये जो काराकोट जो क्षेत्र है, यहाँ का जनता अपना प्यार उन पे बरसा चुके हैं और ये जीत तय है। पवन सिंह भारी मतों से जीत के सदन जा रहे हैं। आप ये डंके की चोट पे कह रहे हैं कि पवन सिंह जीत ही रहे हैं? बिल्कुल, ये कहने की बात नहीं, आशीर्वाद यहाँ के जनता का मिल चुका है और पवन सिंह बहुत भारी संख्या से जीत करके सदन में महिलाओं की सम्मान की, बेटियों की सम्मान की बात करेंगे, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करेंगे और क्षेत्रीय मुद्दा पे हमेशा वो खड़े रहेंगे। देखिए अभी हमारे साथ वीना मानवी जी थी, आपको वैसे इंटरव्यू को लेकर क्या कुछ राय है, प्रतिक्रिया है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं हूँ आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे थे हेडलाइन। जय हिंद, जय बिहार।